हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नोमी 47 गेमिंग। तो भाई BTR Ryzen, इसके बारे में ज़्यादा मैं तारीफ तो नहीं करूँगा, आप लोगों को पता ही होगा भाई क्या ही तगड़ा एंड एग्रेसिव प्लेयर है। भी आप लोगों को पता है ये PMGC में नोवा की टीम को काफ़ी बार 1v4 कर चुका है, एंड इसके अलावा बहुत ही एग्रेसिव एंड हाई प्लेयर, इतने दफ़ा इसने 1v4 निकाली है ना BMGC में, आप लोग बस कहना ही, बस मैं इतने तारीफ ही क्या भाई। PMGC के जो टॉप हाइस्ट प्लेयर है ना, उनको इसने BTR Ryzen में 1v4 किया हुआ है भाई, बहुत ही हाई वाला एंड एग्रेसिव प्लेयर। तो भी इसके अगर हाथ में इसको अगर जून मिल जाए ना, तो इसका जून अगर साथ दे जाए ना, तो किसी को भी नहीं जोड़ता है भाई, बहुत ही हाई वाला प्लेयर है। तो इसके सेंसिटिविटी स्कोर आप लोगों को मिल जाएंगे, BGMI का भी मिल जाएंगे एंड PUBG ग्लोबल का भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लेट्स गो भी, हम इसे सेटिंग की तरफ, यहाँ पे सेंसिटिविटी में आएंगे, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये इनकी सेंसिटिविटी से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आप लोगों ने सर्च कर लेना है। यहाँ आप लोगों को मैं लास्ट में BGMI PUBG ग्लोबल का दोनों का दे दूंगा, फ्यू के ऊपर टैप कर लेने हैं, यहाँ पे इसके सेंसिटिविटीज आपके सामने आ गए, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही भाई एग्रेसिव प्लेयर है ये, आप लोगों की सेंसिटिविटीज इसकी 3x स्कोप की है, 4x स्कोप है, 6x स्कोप है, एंड इसके अलावा भी मेरी जान 8x है एंड FPP एम है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपके स्कोप के सेंसिटिविटीज में अगर थोड़ा भी गड़बड़ है ना, आप लोग यहाँ पे इसको देख के आप लोग फिलहाल अपने स्कोप की सेंसिटिविटीज यही बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह रखें, एंड मेरे जान काफ़ी ही ज़्यादा आप लोगों को जो नहीं अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ लेआउट है, जैसे मैं यूज़ लेआउट के ऊपर टैप कर लूँगा ना, तो ये जो BTR Ryzen के सेंसिटिविटीज़ है ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी जो भी सेंसिटिविटीज़ हैं कॉपी होकर मेरे अकाउंट में भी आ जाएंगे, और बिल्कुल उसी की जैसे अभी BTR Ryzen के सेंसिटिविटीज़ है ना, सेम टू सेम वही मेरे भी हो जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट कर लेना।